नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए जिला स्तर पर विजिलेंस की टीम नियुक्त की हुई है और सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी क्रम में सोनीपत में DSP विजिलेंस जयपाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर DC ऑफिस के सुप्रिटेंडेंट वेद प्रकाश को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राजस्व विभाग के जिला कार्यालय में तैनात कर्मचारी जितेंद्र ने सोनीपत से गन्नौर SDM कार्यालय में तबादला करवाने की अर्जी लगाई थी। इसके लिए DC कार्यालय के सुप्रिटेंडेंट अधीक्षक वेद प्रकाश से टिप्पणी लिखवाई जानी थी। जितेंद्र ने अधीक्षक वेद प्रकाश से बात की तो उसने इसके लिए 30,000 रुपए रिश्वत मांगी। जितेंद्र ने रिश्वत के 10,000 रुपए मंगलवार को दे दिए जबकि बाकी रकम बुधवार को दी जानी तय हुई। इसी बीच जितेंद्र ने DSP विजिलेंस जयपाल को शिकायत दी, जिसके बाद विजिलेंस की योजना अनुसार रिश्वत की बाकी रकम देने के लिए बुधवार को जितेंद्र अधीक्षक वेद प्रकाश के पास पहुँचा। 20,000 रुपए देते ही जितेंद्र ने विजिलेंस को इशारा कर दिया, जिस पर विजिलेंस DSP जयपाल व उनकी टीम ने अधीक्षक वेद प्रकाश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और 20,000 रुपए की रकम बरामद कर ली। विजिलेंस ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। विजिलेंस की टीम में DSP जयपाल के अलावा इंस्पेक्टर कविता, ASI विपेंद्र, ASI जगजीत आदि शामिल थे। DSP जयपाल ने बताया कि DC कार्यालय के अधीक्षक वेद प्रकाश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कर्मचारी के तबादले के लिए उससे 30,000 रुपए में सौदा तय हुआ था, इसमें से कुछ रकम किसी अन्य को भी दी जानी थी। आरोपी को रिमांड लेने का प्रयास किया जाएगा ताकि यह खुलासा हो सके कि अन्य किसको रिश्वत की रकम दी जानी थी। देखिए, आज वेद प्रकाश सुप्रिटेंडेंट DC ऑफिस सोनीपत को जितेंद्र सिंह कलर्क हैं, जो DR ऑफिस के अंदर तैनात हैं लाइमाई शाखा के अंदर, जिसकी बदली यहाँ से गन्नौर करने की आवज में उस पर पॉजिटिव रिमार्क देने के लिए वेद प्रकाश ने कल इससे 10,000 रुपये ले लिए और आज 20,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत इन्होंने आकर आज विजिलेंस में की, सोनीपत में हमारी उसमें की, जिसके आधार पर हमने इसको रेड की है और रेड के दौरान हमने 20,000 रुपये जो थे वो बरामद किए हैं, जिसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है सर? ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।